महाराष्ट्र के कल्याण शहर में श्री सीताराम जन कल्याण संस्था एवं उत्तर विकास सामाजिक संस्था कल्याण के संयुक्त प्रयासों से एक श्याम मालिनी जी के नाम इस लोक गीत और भक्ति गीत कजरी के सुरीले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी के सुरीले गीतों का आनंद उत्तर भारतीय समाज ने लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रवक्ता अशोक पांडे, महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा, राज्य मंत्री संजय उपाध्याय, बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत दुबे, बजरंग दल के कल्याण जिला सह संयोजक राजन चौधरी, मनपा महिला व बाल कल्याण समिति सभापति रेखा चौधरी सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। रोजी रोटी की तलाश में हजारों लाखों लोग उत्तर भारतीय महाराष्ट्र मुंबई की धरती पर आते हैं। मुंबई से सटे कल्याण शहर में भी गत अनेक वर्षों से उत्तर भारतीय समाज रह रहा है। समाज के लोगों को एकजुट और एक साथ लाने के लिए कल्याण के आचार्य अत्रे रंग मंदिर में कजरी गीतों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने मालिनी अवस्थी के लोक गीतों का जमकर आनंद लिया। कुछ महिलाएं मंच पर मालिनी अवस्थी के साथ ठुमके लगाती भी नजर आई। इसी अवसर पर कल्याण की रहने वाली मिस्टिन वर्ल्ड सुमिता सिंह भी मौजूद थी। हाल ही में अमेरिका में हुए मिस्टिन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सुस्मिता सिंह ने मिस्टिन वर्ल्ड का खिताब जीता, इसलिए सुस्मिता का मान्यवरों के कलमों से सत्कार सम्मान किया गया। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन हरीश चंद्र शर्मा और रवि गुप्ता द्वारा किया गया था। प्रसन्नता होती है जब जब मैं मुंबई आती हूँ, और इसलिए कि बहुत सारे कार्यक्रमों में ऐसे बुलाई जाती हूँ जहाँ पर हमारा जो उत्तर भारत का समाज है उनकी परंपराएं, उनकी जो सामाजिक परिदृश्य है उसको जीवंत करने के लिए बुलाई जाती हूँ। जैसे कि अभी अब सावन आने वाला है तो कहीं ना कहीं उन्हीं गीतों को लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये देखना इसलिए और अच्छा लगता है कि किस तरह से अपने जड़ों से इतनी दूर आकर के भी अपनी संस्कृति के पौधे को इतना मजबूती से थामे हमारे लोग। यहाँ पर भी अभी भी आज भी शहरों में वहाँ छूट गया है, लेकिन मुंबई में आज भी संयुक्त परिवार की वही परंपरा देखने को मिलती है। सास बहू में साथ हैं, पिता पुत्र साथ में रह रहे हैं, और यहाँ पर आकर के भी अभी वहाँ से संबंध पूरा जुड़े हुए हैं। तो जब मैं वो गीत गाती हूँ तो लगता है कि जिनके लिए गीत गाती हूँ, जो शब्द बने गानों में, वो जैसे यहाँ पर उन परिवारों को देखूँ तो आज जैसे साथ में झूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, तो ये लगता है कि गाने ऐसे ही नहीं बने। ऐसे ही जो सुंदर दृश्य यहाँ पे उत्सव में रूपी लोगों ने जिए होंगे, उन्हीं क्षणों को गीतों में बना लिया, और मेरा सौभाग्य कहीं ना कहीं कि मेरे माध्यम से वो क्षण फिर से उनको जीने का एक अनुभव मिलता है दोबारा, तो इसलिए यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। मैडम, रोकना चाहेंगे अभी आपने एक शब्द कहा कि अमरजीत मिश्रा के बुलावे पे आप आई थी कार्यक्रम में, तो अभी कजरी का जो महोत्सव होता है अमरजीत मिश्रा के द्वारा बड़े पैमाने पे मुंबई मनाया जाता है, तो क्या भविष्य में भी आपका कार्यक्रम देखने को मिलेगा उनके मंच पे? देखिए, मैं अभी कजरी की शुरुआत तो आज ही से हो गई मुंबई में, पहली बार तो आषाढ़ में, और एक और कार्यक्रम है 11 तारीख को मैं आ रही हूँ अगस्त में, डोंबिवली में कार्यक्रम कजरी का है, उसके लिए भी आ रही हूँ। और अमरजीत जी ने तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बुलाया था, तो वो तो जब कहेंगे मैं आऊंगी, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। अभी भी पीछे कार्यक्रम करके हम लोग गए उनका, जो अभी उत्तर प्रदेश दिवस के दिन कार्यक्रम था, और उसी में आई थी मैं 2004 में। दो मुख्यमंत्री अपने हमारे फडणवीस जी भी उस दिन थे, देवेंद्र फडणवीस जी और योगी आदित्यनाथ जी भी थे, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री दोनों थे उस दिन, और बहुत भव्य कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश दिवस के दिन। मैं गाने आई थी अमरजीत जी के लिए, और कजरी में भी यदि बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। हम मुझे तो अच्छा लगता है, आपने देखा होगा मैं जब मंच पे गाती हूँ तो मैं कार्यक्रम नहीं देती हूँ, मैं तो उत्सव रचती हूँ, तो मैं खुद वो दृश्य को सामने जीवंत करती हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है। तो यदि मैं कहीं ना कहीं माध्यम बनती हूँ लोगों को अपनी ऋतुओं, अपनी जड़ों, गांवों से जोड़ने का, तो मेरा बहुत सौभाग्य है। क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? मुझे लगता है कि मैंने जो उत्तर भारतीय समाज देखा है मुंबई में, तो मुझे लगता है यहाँ से सीखने की जरूरत तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को है, क्योंकि जिस तरह से परिवार को, जिस तरह से संस्कार को जोड़ के यहाँ पे रखा है महिलाओं ने, देखो तो बिल्कुल वही छवि लगती है जो हमारे यहाँ है, पूरी भर हाथ चूड़ी में बांग सिंदूर और संयुक्त परिवार को साथ लिए हुए। और आज भी मैं देखती हूँ गाँव में ही शादी ब्याह कुछ होता है, वहीं जाकर घर पे ही करते हैं। ये जो चीजें हैं मुझे लगता है सबको सीखनी चाहिए कि आप कहीं भी चले जाएं, रोजी रोटी आपको अपने घर से कितनी भी दूर लेके जाए, लेकिन आपके भीतर का जो परिवार का संस्कार है वो नहीं मिटना चाहिए। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को जितना जीवंत मुंबई में रखा है हमारे उत्तर भारतीयों ने, वो उत्तर प्रदेश के लिए, मतलब वहाँ के निवासी होने के नाते मैं तो बहुत गर्व की अनुभूति करती हूँ। थैंक यू।
मैडम क्या कहेंगी जो अभी आपने एक मंच के माध्यम से कहा कि 2004 में आप मुंबई के आगमन पर आई थी और आज जो कजरी का महोत्सव रहा, क्या अंतर देखने को मिला, क्या कहेंगी? मुंबई के मंच पे मेरा आना हुआ था पहली बार 1988 में, और उस समय खयाम साहब, जगजीत सिंह साहब, बड़े बड़े लोगों के सामने तेजपाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ था। लेकिन जो अपना उत्तर भारत का जो समाज है उसके सामने सबसे पहले 2004 में मैं आई थी अभियान के कार्यक्रम में सेंटा क्रूज में, मुझे अभी भी याद है। और तब से सौभाग्य मेरा कि वो सिलसिला बना हुआ है, और हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक मुंबई में बहुत गर्व करने लायक ये विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया है हमारे भाइयों ने। तो यहाँ पर जब आते हैं और कहीं ना कहीं पे उस अपने समाज से जुड़ने के लिए, एक सेकंड, हम भी इसके कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? कल्याण में मेरे ख्याल से पहली बार पद्मश्री डॉक्टर मालिनी अवस्थी का आगमन हुआ है, तो मैं इसे शुभ मानता हूँ कि आषाढ़ में सावन लाने का काम मालिनी अवस्थी द्वारा हो रहा है। और जिस काशी में, नरेंद्र मोदी की काशी में जो बनारसी कजरी होती है, वो आज चलकर स्वयं कल्याण तक पहुंची है, और अब सावन जब अपने उफान पर होगा तो पूरे देश में कजरी गाई जाएगी। माताओं बहनों को अब उनका मायका याद कराया जाएगा और उपलब्ध भी कराया जा रहा है। मैं कल्याण के आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कल्याण में एक लोक गीतों की गंगा को बहाने का काम किया है। सर, माना जाता है 2005 से जो 2004 से मैडम को जो है आप बुलाते थे यहां पर, और तब में अब में क्या अंतर देखने को मिल रहा है सर? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पूरे देश में हिंदुस्तानियत की एक लय, एक खुशबू ज्यादा प्रखरता के साथ फैल गई है, और इसलिए अब लोक गीतों के माध्यम से जन भावना को और भी ज्यादा, उनको भारतीयता और खास करके संस्कृति की जो अलग जगाई जा सकती है, अब ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। लोक गीतों में एक भावना होती है जो संयुक्त परिवार की भावना है, जब उसमें कहते हैं उजर बगुला बिन पिपरो न सोहे, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, तो उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि देवर बिन अंगना ना सोहे। इसका कारण, इसका आज देवर जो है वो किसी भी भाभी को प्रिय नहीं लग रहा है बढ़ती हुई इस जनसंख्या के दौर में, लेकिन लोक गीत ये बताते हैं कि संयुक्त परिवार टूटने नहीं चाहिए, संयुक्त परिवार और भी प्रगाढ़ता के साथ एक होने चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो लोक गीत चारों तरफ बड़े तन्मयता के साथ लोग सुना जा रहा है, उसका एक संस्कार भी देखने को मिलेगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर भारतीयों को? उत्तर भारतीय समाज संवेदना वाला समाज है, मुझे लगता है कि इससे और एकजुट होगा, और पहले से वो जातिवाद के बंधन से मुक्त हुआ है, और नए भारत में वो भी अपना निर्माण करे, अपना भी योगदान देगा, यही शुभकामना। बढ़िया हुआ है, करना भी था। प्रेरणा के स्रोत तो कहीं ना कहीं अमरजीत भैया रहे हैं, उनसे हम बहुत प्रभावित रहते हैं, और अच्छा ये लगा है कि भैया का इंटरेस्ट जहाँ था ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको कला और इसको था लेके, और वही क्षेत्र उनको मिला है, उसी के मंत्री बने हैं, तो इसकी बहुत बहुत खुशी है मन में। तो भैया से होता, और मालिनी जी को मतलब जो कल्याण में लाया था, हमारे मित्र कहा गए, रवि गुप्ता जी काफ़ी समय से मुझे कहते थे कि मालिनी जी को कल्याण लाना चाहिए ऐसा, तो उस समय बातें हो रही थी, इसी बीच हमारे जिस भैया से मिले, उनका भी टाइम मिल गया, मालिनी जी से बात किया और लाया, चूँकि उत्तर भारत से है और कजरी हमारा एक बहुत बड़ा बेस है ना, हमारा अगर भोजपुरी या हम बनारस को, जौनपुर को, मिर्ज़ापुर को अगर याद करें, और कजरी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बहुत भव्य प्रोग्राम था और बड़ा अच्छा रहा, उसको सफल बनाने में हमारे संघ परिवार से राजन चौधरी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे बच्चे हैं बंटी तिवारी, बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम तो एक एक लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम होगा, नवीन भैया हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, आतिश चौधरी हैं, उसमें विशेष योगदान अमरजीत भैया का रहा है, तो अमरजीत भैया ने कीमती समय दिया है हमारे लिए, और इसी तरह हमारे समाज को भैया आगे करते रहें और उनके पीछे हैं, और इस बार हम चाहते हैं कि भैया अब राज्य मंत्री तो हैं, अब कैबिनेट में देखना चाहते हैं भैया को, उसके लिए पूरा जोर लगाएंगे।
तो बस यही मेरे दो शब्द हैं, इन्हीं भावनाओं के साथ उत्तर भारतीयों से जुड़े रहेंगे, उत्तर भारतीयों के लिए कार्य करेंगे, उत्तर समाज के जो भी बन पड़ेगा उनको ऊपर लाने के लिए हम करते रहेंगे। और मार्गदर्शक तो अमरजीत भैया है, मेरे दोस्त राजन चौधरी हैं, सबका साथ है ही है, बस धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं, जो कजरी का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि हमारे यहाँ हर चीज का गीत था, जन्म का गीत है हमारे यहाँ, विवाह में 5-7 बार का गीत है, कुछ गीत ऐसे हैं कि रात आते आते लोग रोने भी लगते हैं। शुरुआत होती है द्वार पूजा से तो लोग हंसने वाला गीत, लोग खुश होते हैं, गाली। भगवान श्री राम जब गए थे सीता जी से शादी करने तो 6 महीने तक रहे, लगातार इसी तरह के लोकगीतों के माध्यम से उन्हें गरियाया जाता रहा। कहीं गाली ज्यादा पड़ती है तो लोग कहते हैं ससुराल है, ससुराल में गाली ज्यादा पड़ती है। ये सब विलुप्त हो रहा था, ये सब चीजें खत्म हो रही थी। और खास करके भोजपुरी के नाम पर जिस तरह का नाटक चल रहा था, जिस तरह से भोजपुरी दिनों दिन गिर रही थी, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए, संस्कार सिखाने के लिए यहाँ हमारी डॉक्टर वो माली अवस्थी जी आई है। निश्चित तौर पर हम उन्हें बधाई देते हैं। अब बना यहाँ से तो नाता हम लोग का बड़ा अच्छा रहा है। यहाँ जब भी शिवाजी अपने तलवार की धार से पूरे दुनिया में तहलका मचाए तो उनका राज्याभिषेक करने को कोई ब्राह्मण तैयार नहीं था, तो काशी से ब्राह्मण आया था टीका लगाने के लिए, ये ब्राह्मण भी यहाँ इनकी इस संस्कृत गीत के लिए टीका लगाने के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।